एक ही कपड़े को बार बार यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स बर्तनों में लगता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। फिर सर आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें पेस्टिसाइड्स, नो केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। सर हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड्स भी बहुत इसलिए लगाया क्योंकि हमें इनका प्रयोग ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, खाद वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं सर जंक फूड। जंक फूड ज़्यादातर जनरेशन आजकल खाना प्रेफर करती है, जो कि नहीं खाना चाहिए। दो टाइम सर ज़्यादातर वेट टाइम वेस्ट ना हो तो दिन सुबह शाम मैगी बनाकर खाते, जो कि नहीं खाने चाहिए। मैदा हाथों में चिपक कर हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। फिर सर इन सब चीज़ों को हम ज्ञान कहाँ से लेंगे? तो गवर्नमेंट को एक हर सिटी, हर या मोहल्ले में एक ना एक हेल्थ काउंसलर रखना चाहिए, जहाँ पर एक ग्रेजुएट व्यक्ति बता सके कि कोई भी उनके पास जा सके कि हम कैसा खाएं, साफ सफाई कैसे रखें, स्वास्थ्य कैसे बनाएं, तो वहाँ पर जाके हम पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जिला विज्ञान महोत्सव जनपद टिहरी गढ़वाल की। इसमें 3 दिवसीय विज्ञान महोत्सव नरेंद्र नगर में संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ प्रतिभाग किया और अब यहां से जनपद स्तर से छात्र राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। जूनियर वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज नागणी की छात्रा अंशिका जरदारी ने अपनी मार्गदर्शक शिक्षक श्रीमती मीनाक्षी सिलसवाल के नेतृत्व में राज्य स्तर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरिया खाल के शिक्षक हर्षमणि पांडे जी के मार्गदर्शन में उनके वरिष्ठ वर्ग के एक छात्र ने राज्य स्तर के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। साथियों, इन विज्ञान वर्ग के सभी छात्र छात्राओं, इनके मार्गदर्शक शिक्षकों, अन्य गुरुजनों, इनके अभिभावकों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब ये छात्र राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए।